कबाब तो लीजिए, तानिया ने बनाए हैं। मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दिया उसने। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ जो इतनी अच्छी सुघड़ बहू मुझे मिल रही है। खाना बहुत मजे का बनाया तुम, और क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? बस इतना टाइम मिलता नहीं है, जब भी टाइम मिलता है एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, वहाँ हम लोग सब्जियाँ लगा लेते हैं बस। ये शौक तो बहुत अच्छा है, मतलब किचन गार्डन के साथ छोटा सा लॉन भी होगा, है ना? अशर ने भी तो कहा था कि वो आएगा, उसे क्यों नहीं ले आए साथ? अरे वो बेचारा तो तैयार बैठा था, बस वो दोस्त का फोन आ गया, उसकी बर्थडे थी, वहाँ चला गया। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने तो उसके बाद चक्कर ही नहीं लगाया हमारी तरफ। आइएगा ना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जरूर आएंगे हम। जरूर आइएगा। वैसे ये घर आप लोगों का कितने गज पे? मेरे ख्याल से 120 गज पे है ये घर, लेकिन ये हमारा नहीं है, हम किराए पर रहते हैं। क्या किराए का? पानी? मालिक मकान हमारे बहुत अच्छे हैं, काफी टाइम हो गया, हमें कभी कोई शिकायत ही नहीं की। आप कुछ लें, आप तो कुछ खा ही नहीं। मैंने ले लिया बस, शुक्रिया बहुत बहुत, खा चुकी हूँ। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? अरे सत्यानाश जाए सुरैया का कमबख्त का, झूठ बोला हमसे कि वो जो तानिया के वालदेन है ना, उनका घर जाती है, किराए के घर में रहते हैं कमबख्त। अरे आप तो जानती हो ना, इन रिश्ते वालियों को आधा झूठ बोलते हैं आधा सच। अब किराए के घर में रहें या घर जाती हो, मैंने तो वही करना है जो मैंने सोच के रखा। जब सोच लिया है क्या करना है तो खून क्यों जला रही हो? रिलैक्स करो, टेंशन किस बात की है? आने दो इस सुरैया की बच्ची को, ऐसा कूटूंगी ना, याद करेगी कमबख्त, यहाँ मुफ्ते का खाने आ जाती है बस। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपने तो कहा था कि रुखसती एक साल बाद रखेंगे। जी मैंने कहा था, मगर बात यह है कि अशर के मामू बाहर से आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी भी शिरकत हो जाए। देखिए वजह तो इंतहाई माकूल है, लेकिन शादी की इतनी सारी तैयारियां भी इतनी जल्दी, आप खुद बताएं हम कैसे करेंगे? देखें अब ये सब कुछ तो आपको सोचना है ना कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, हम आपस में मशवरा करके आपको बता देंगे। नहीं ठीक है, जैसे आप चाह रही हैं हम कोशिश करेंगे वैसे ही हो जाए। जी बेहतर आप लोग आपस में मशवरा करके हमें बता दीजिएगा। अफजल भाई एक बात आपसे करनी है, आप शादी हमारे खानदान के मयार के मुताबिक करेंगे। जाहिर है आप बच्ची को LED, AC और महंगा फर्नीचर तो दे ही रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे अशर को एक बड़ी सी महंगी गाड़ी दे दें अपनी तरफ से। नहीं नहीं बहन, ये सब कैसे मुमकिन है? हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है, हम ये सब सामान कहाँ से लाएंगे? और गाड़ी, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपसे करोड़ों मांग लिए हों। अरे चंद लाख की तो बात है। चलिए आप ऐसा करें कि एक छोटी सी मगर अच्छी कंपनी की गाड़ी वो दे दीजिए, खानदान में हमारी इज्जत हो जाएगी। ये ना हो ना कि हमारे खानदान वाले कहें कि किन कंगलों में शादी कर रहे हैं। चलें आप लोग सोच के मुझे बता दीजिएगा, मैं चलती हूँ डेट लेने। जी जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।